Jinaab, मैं मान एक खुशी जनाब चौक साहब गुजारिश कर सकते जो आपने कैलाश को आज़ाद कर भी मशहूर रहूँगा। आप वो दोस्त हैं, आप वो साथी हैं जिनके सबब मैं पहली मरतबा आपके सामने जो है वो आ सका, आपके सामने जो जाहिर बहुत बहुत साल गुजर गए हैं। 96-97 की बात है जब मैं पहली मरतबा यहाँ आया था और बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम आपने किया था। यहाँ की जो एम पी थी मेम्बर पार्लियामेंट मिसेस एलिजाबेथ पीकॉक वो भी थी, बहुत दोस्त बहुत से साथी मौजूद थे। आज जब मैं यहाँ आया था इस आज का जो ये रेस्टोरेंट है इसको भी मैंने पहचान लिया यूके कि मैं दूसरी मरतबा यहाँ आया यूके में इसी रेस्टोरेंट में जो है वो दोस्तों रिसेप्शन हुआ। मैं समझता हूँ कि आप दोस्तों की हिम्मत, आप दोस्तों का जज्बा, आप दोस्तों की मदद मेरे लिए आगे बढ़ने की जो है महमीज़ का काम करती है। मेरे से मुराद हम वो सारे लोग तालक जो से है कल तक जो है जम्मू कश्मीर नेशनल कमीशन फंड के नाम से जो है तारीख इस बात को जो है जिसकी जिसकी पहचान और जिसकी मौजूदगी बातें जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। मैं समझता हूँ कि महमूद कश्मीर साहब ने डिटेल के साथ जो है उन तारीखी लम्हा उन तारीखी वाक़यात का ताल्लुक जो है जम्मू कश्मीर से है कि उस सियासत का जिससे पूर्वज शहीद और उनके पैरोकार जुड़े रहे और फिर वो मसाले जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की कौम के ऊपर वार किए हुए हैं और फिर उन रेजोल्यूशंस के बारे में जो अल्टीमेटली जो है हमारी जद्दोजहद के अवज़ जो है वो हो सकती है और फिर कॉन्फ्लिक्ट के कई जो डायमेंशंस हैं उनकी तफसी के साथ हुई बात। मैं जो एक दो बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, एक तो ये कि दुनिया में यूनियंस बनने का रिवाज पनपने लगा, कौमें जो हैं वो ज़्यादा बड़े माहौल में अपने आप को एब्जॉर्व करने लगी, करीब आने लगी, इकट्ठी होने लगी। यूरोपीय यूनियन बनी तो सवाल पैदा होना शुरू हो गया दुनिया में, इंटरनेशनल दुनिया में। शायद अब जो है वो जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन हैं अकवाम के शायद उसके उसकी कोई खास ज़रूरत नहीं रही है। अब जो है वो दुनिया इकोनॉमिक ब्लॉक्स के अंदर जो है वो जा रही है तो यहाँ पे इंफाई तौर पर जो मुमलिकतें हैं जो कौमें हैं शायद उनकी शनाख्त थी उनकी आइडेंटिटी जो है होती है। लेकिन इस सारे सवाल के साथ साथ ही हमने देखा कि ईस्ट तैमूर अचानक जो है वो आज़ाद हो गया। ईस्ट तैमूर की बात तो चंद साल पहले की है, ये भी चंद रोज़ पहले मैं आपके सामने सुडान नहीं कह सकता राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन के असूल को इस्तेमाल करते हुए जो है इसका मतलब ये है कि राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन की जो थ्योरी और फिलॉसफी है उसकी गुंजाइश जो है ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। एक इंफरादी इंसान से लेकर जो है एक कौम वो कभी भी अपनी शनाख्त के बगैर सीधा नहीं रह सकती। हम भी दुनिया को ऑफर करते हैं, सवाल ये नहीं है कि
हमने सिर्फ ये बेड़ा उठा रखा है कि हम जो है वो तोपों के रुख जो है वो दुनिया के जो है ना वो सामने जो है हम तान के रखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने अमलन साबित किया अपने आप को कि हम लोग डेमोक्रेटिक लोग हैं, हम जो है वो जमहूरियत को यकीन रखते हैं, दुनिया में जमहूरियत जो इकदार हैं, हम जो वैल्यूज हैं हम उनका एहतराम करते हैं। लेकिन जब मैं किसी की इज्जत का ख्याल रखता हूँ, जब मैं किसी की नामूस का ख्याल रखता हूँ, जब मैं किसी की पहचान का एहतराम करता हूँ, फिर ये मेरे दिल में भी एक ख्वाहिश है जिसका मैं एहतराम करता हूँ, मेरा भी वो मेरी शनाख्त का भी एहतराम करे, वो मेरी इज्जत और हरमत का भी पहचान का एहतराम करे, वो मेरी जो कौमी नामूस है उसका भी एहतराम। तो बेसिकली यही वो एक चीज है जिसने उस पूरे खत्ते में जहां जम्मू कश्मीर मौजूद है वहां एक आग जो है वो बरकरार रखी। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की क्यादतों को अगर अकल होती, उनमें अगर फहम होती, उनमें अगर फरासत होती, तो ये मसला वो बहुत पहले हल करके वो बहुत सा सरमाया, वो बहुत से अपने नेशनल रिसोर्सेज जो अफवाज के ऊपर खर्च करते हैं, जो आर्म रेस में जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जिससे अल्टीमेटली किसी वक्त उस खत्ते के अंदर जो दुनिया का वन फिफ्थ आबादी का हिस्सा है उसके लिए सिर्फ मौत का जो है वो ईंधन जो है वो तैयार कर रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो कौमें जो लोग जो क्यादतें अपने लोगों को पेट भर के रोटी नहीं दे सकती, उनके पास ये राइट नहीं है कि वो जो है वो कौम-ए-आलम के लिए जो है हथियारों की रेस में पड़ के जो है वो थ्रेट है। और बिल्कुल ऐसा ही है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, पता नहीं उनका एजेंडा क्या है, लेकिन मैं ये जानदारी के साथ आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में लाखों लोग जो हैं ऐसे जिनको सिर्फ एक वक्त का खाना नसीब होता है, लाखों लोग ऐसे बल्कि करोड़ों कहना चाहिए इसलिए हिंदुस्तान में करोड़ों हैं, पाकिस्तान में उनकी ज्यादा लाखों हैं, जिनके पास रात को सोने के लिए छत में ऐसा नहीं, फिर भी बहुत बड़ी आर्मी आर्माइज बनने की ख्वाहिश उनके दिल में मौजूद है। और एंड ऑफ द डे उससे क्या होगा, जब कभी उस खत्ते में जंग होगी, एटमी हथियार एटमी डिवाइस इस्तेमाल होगी, तो वहां सिर्फ हलाकते इंसान न रहेंगे, बल्कि अब तो ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ने कभी हिंदुस्तान के ऊपर एटमी डिवाइस का इस्तेमाल किया, एटम बम कभी फेंका, तो उससे क्योंकि हिंदुस्तान की तमाम हवाएं जो है उनका रुख मानसून के तमाम उसका रुख जो है वो पाकिस्तान की तरफ आता है, उसकी पड़ताली से ही पाकिस्तानी होते हैं। कहने का मकसद सिर्फ यह है कि हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो बजाय हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने पिछली विश्व सदी में हमें कॉन्फ्लिक्ट को पेश किया है, हम कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहना चाहते, हम चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक ब्रिज ऑफ पीस बने, एक ब्रिज ऑफ वार की बजाय ब्रिज ऑफ लव बने, एक मोहब्बत का एक पुल के तौर पर हम चाहे एक जो है ना वो इस्तेमाल हो। और जब जम्मू कश्मीर के अवाम को उनका नेशनल और नेचुरल राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन मिल जाए, तो मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अफवाज के ऊपर जो है बहुत बड़ी अपने जो है ना 60-70% जो उनके सालाना बजट होते हैं वो खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो उन्हीं पैसों को उन्हीं रिसोर्स को जो है आम इंसान की सेहत के ऊपर, आम इंसान की भूख के खात्मे के लिए, आम इंसान के का जो माहौल है, जो जहालत का माहौल है उसके खात्मे के लिए, जो अखलास का माहौल है उसके खात्मे के लिए जो है वो खर्च कर सकते हैं। और फिर जिस तरह से ये आप घरों में रहते हैं, बरतानिया में रहते हैं, जिस तरह से ये नीट एंड क्लीन ये आपका एनवायरनमेंट है, ये सारे ये सब कुछ वहाँ हो सकता है। अगर वो याद करता है हिस्ट्री में कि जब ये यहाँ के ये जो अंग्रेज जब ब्रसवीर के कब्जे में था तो ये कहा करते थे कि सोने की चिड़िया है, गोल्डन स्पैरो, तो सोने की चिड़िया है, वो सारा खत्ता सोने की चिड़िया है। सिर्फ हमारा जम्मू कश्मीर, जैसे महमूद साहब ने बताया कि स्विट्जरलैंड से ज्यादा वाटर रिसोर्सेज है उसके पास, और स्विट्जरलैंड जम्मू कश्मीर से कम वाटर रिसोर्सेज पे 64,000 मेगावाट बिजली पैदा करता है। तो हम ये कहते हैं कि जब जम्मू कश्मीर जो है वो
उसके रिसोर्सेज जम्मू कश्मीर के आवाम के पास होंगे। तो जम्मू कश्मीर जब 64,000 हम कहते हैं 50,000 मेगावाट जब बिजली पैदा करेगा तो 50,000 तो हमारी जरूरत नहीं है, हमारी बिजली की जरूरत 5 से 10,000 मेगावाट भी पूरी रह सकती है। तो उसके बाद बिजली को हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कौन जो है सेल करेंगे, वो उन्हीं के लिए रोशनियों का सबब बनेगी। लेकिन पता नहीं क्यों ये कम फासद की लीडरशिप, ये नाअहल क्यादत जो है मेरा सियासी तजिया ये है, ये चूंकि ये कौमी क्यादतें नहीं, कौमी क्यादतें बेसिकली वो अपनी कौमों के अंदर से अपनी सोसाइटी के अंदर से उनकी रूह से निकला करती है। तो ये बेसिकली मुसलत किए गए लोग होते हैं जो बुनियादी तौर पर सरमादार निज़ाम का हिस्सा है। इनका अलायंस जो है वो वाशिंगटन से लेकर इस्लामाबाद तक, इस्लामाबाद से लेकर लंदन तक इनका अलायंस होता है। इन्हें आवाम से कोई फर्ज नहीं कि आवाम जो है वो इस चक्की में पिसते रहते हैं, इन्हें इससे कोई फर्ज नहीं। ये समझते हैं कि बस सिर्फ अपने लिए दौलत परिवार जो है इकट्ठे करें और एंड ऑफ द डे अपनी नस्लों के लिए जो है वो अंपायर्स जो है वो तैयार करें। अंपायर से मुराद चाहे के हुकूमतों की शक्ल में या प्रॉपर्टीज की शक्ल में या खजानों की शक्ल में। तो बहरहाल मैं शायद जो है थोड़ा सा मौजू से डाइवर्ट हो गया था, सिर्फ बताना ये चाहता था कि हमें बहुत सी चीज़ों को जो है आप एनालिसिस की बुनियाद पर जो है तैयार करें, हमें अपनी पॉलिसीज जो हैं उनका बड़ा डीपली आप तजिया करने की जरूरत है। क्योंकि आप दुनिया में जो है दुनिया में तब्दीलियाँ जो हैं वो जैसे किसी मुफक्कर ने कहा था कि तब्दीलियाँ जो हैं ये बंदूक की नाली से जो है वो नहीं निकलती हैं बल्कि शोर की कोख से जरूर होती है। इंकलाबात इसी तरह आते हैं, आप उस वक्त तक जो है वो ज़मीन के ऊपर कोई इंकलाब नहीं ला सकते जिस वक्त तक आप अपने अजहान में अपने दिमागों के अंदर जो है वो इंकलाब नहीं ला। तो दिमाग के अंदर आया हुआ इंकलाब जो है वो इंकलाब जो है खुद बखुद जो है वो दिमाग के अंदर बखूब पसीन हो जाता है। लिहाजा दोस्तों साथियों ये बात इतनी लंबी तमीज में जाने का मकसद ये भी था, मैं चाहता था कि मतलब जब अगर आप भी सोशल प्रोग्राम्स होते हों तो आप खुद भी जो है वो कुछ ना कुछ जो है शेयर किया करें। उसका यह फायदा होता है, मकबूल बट शहीद कहते हैं कि मैं अपनी यूथ को जो है पोलिटिकल और कॉन्शियस सोल्जर बनाना चाहता हूँ। पिछले दिनों मैं महमूद साहब एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में गए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या वो भट्ट साहब जो है वो तो मुजाहिद थे तो मुजाहिद बनाना चाहते, तो मैंने कहा नहीं। भट्ट साहब ने कहीं ये नहीं कहा कि मैं कोई जन मुजाहिद बनाना चाहता हूँ, उन्होंने कहा मैं पोलिटिकल सोल्जर बनाना चाहता हूँ, एक ऐसा सिपाही जो अपने मसले को समझता हो, जो उसकी गहराई को समझता हो, जो अपने दुश्मन और दोस्त का तयन कर सकता हो, जो जिसे अपनी तहरीक की जो है ना सिमत का पता हो, डायरेक्शन का पता हो, जानता हो कि उसे किस वक्त जो है वो अपनी जंग को जो है किस तरह से आगे लेके जाए। ये मकबूल बट शहीद की फलसफा, और यही मकबूल बट शहीद जो है अपने नौजवान को जो है इस तरह से तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो जमात है जम्मू कश्मीर नेशनल लिबरेशन कॉन्फ्रेंस, हमने इंतहाई जो है वो कलील रिसोर्सेज में अपने आप को न सिर्फ ये भी पॉलिटिकल जमात के तौर पर जो है तस्लीम करवाया है, हमने अपने अमल से जो है अपना जो किरदार है इस तरह से वजह किया है कि अब दुनिया का जो हमारे हम पे जो सरक होते हैं अब इस बात को रियलाइज करने लगे कि हाँ ये लोग जो है डेमोक्रेटिक लोग हैं। देखिए एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो स्पेस है उसी स्पेस के अंदर आपको जो है रह के काम करना होता है। मतलब आप ये नहीं हो सकता कि ये ड्यूसबरी तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं जब तक ब्रेडफोर्ड के दूसरे सारे शहर इकट्ठे नहीं होंगे उस वक्त जो है ना हम काम नहीं करेंगे। नहीं, अगर आप ड्यूसबरी में ड्यूसबरी के मामला को ड्यूसबरी के अंदर ही आपको जो है सॉर्ट आउट करना है। महमूद कश्मीरी साहब ने जैसे आपके सामने कहा यह हमारी पार्टी की पॉलिसी है कि जिसकी गर्दन के ऊपर हमारे जो मौजूदा सदर हैं तो उनका तो ये जैसे मोटो है कि हर स्पीच में ये बात करती है कि जिसकी गर्दन पर जिसका कौन वो अपनी अपनी गर्दन सौंपने की कोशिश। तो मेरे को दोस्त कहते हैं इसलिए कि मेरी गर्दन के ऊपर जो है वो मंगला डैम के हवाले से अगर पता ने पाव रखा हुआ है तो मैं ये कहूँ कि जनाब मैं वादा को छोड़ के जो है वो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसके खिलाफ जाके लड़कों की तरह ख्याल है
इसे कॉमन सेंस नहीं कहते। कॉमन सेंस ये है कि जिससे आपको अजियत मिलती है, जिस जो आपको जो है वो आजाद देता है, जो आपके आपके रिसोर्सेज को लूटता है, जो आपकी इमोशंस का एक्सप्लॉयटेशन करता है, आप उसके खिलाफ बन जाते हैं। यहाँ ये फिलासफी कोई भी नहीं है कि जो है ना वो फला आदमी ये वीर साहब हैं तो चूंकि ये मेरे मुसलमान भाई हैं, ये मेरे इलाके के, लिहाजा ये अगर जुल्म करते हैं तो लिहाजा इनके लिए माफी है। लेकिन अगर वो दूर के किसी शहर का कोई दोस्त जो है वो अगर जुल्म करता है तो नहीं, उसके खिलाफ में सफारा हो जाता है, ये कोई बात नहीं। बात यह कि आप आपकी जदोजहद है, इससे इस बात का इजहार होना चाहिए कि इसके पीछे कॉमन सेंस मौजूद है। तो हम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के जेर कब्जा जो जम्मू कश्मीर है, चाहे उसको जम्मू का इलाका है, वैली का इलाका है और लद्दाख का इलाका है, वहाँ पे उन लोगों ने खुद अपनी जो है वो तैयारी भी करनी है और अपनी तहरीक को डेवलप करनी है। वो किस तरह करेंगे ये उनका हेड है। और मकबूल बर शहीद ने, जब मकबूल बर शहीद आज़ाद कश्मीर से बाकी मकबूजा कश्मीर जा रहे थे तो कुछ दोस्तों ने कहा कि हम भी आपके साथ जाएंगे, उन्होंने कहा नहीं आप मेरे साथ नहीं जा सकते, इसलिए आज़ाद कश्मीर का कोई नौजवान जब मकबूजा कश्मीर में इन फाइटिंग में होगा तो वो उसे रास्तों का पता नहीं है, उसे उसे सिमटों का पता नहीं है, उसको छुपने की जगह का पता नहीं है, तो वो बजाय ये उस तहरीक को जिसे हम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं बजाय उसको सपोर्ट करने के वो उसकी भी मुश्किल पैदा करें। तो लिहाजा जो भारतीय मकबूजा कश्मीर में है वो वहाँ पे लड़ रहे हैं जिस तरह से जो स्पेस है उसके अंदर वो खुद समझते हैं कि उन्हें कैसे फाइट करना है। हाँ मैं ये समझता हूँ कि हम जो आज़ाद कश्मीर में हमारी इमोशंस का की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, हमें ये कहा क्योंकि नहीं कि हम तो हमारा तो मामला कोई नहीं है, आज़ाद कश्मीर में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आज़ाद कश्मीर तो क्योंकि कश्मीरी जो हैं ये तो चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी कौम का हिस्सा हैं, लिहाजा जनाब ये जिस तरह से है बस गए। हालांकि आज़ाद कश्मीर की जो डेमोग्राफी है उसको अगर आप उसके ऊपर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले दिन ही आपको चंद लैंड ऑफिसर्स के हवाले कर दिया गया। वो लैंड ऑफिसर्स कौन थे? पाकिस्तान ने कहा कि मैं चंद ब्यूरोक्रेट्स को भेजता हूँ जो आज़ाद कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी को ट्रेनिंग देंगे। निसफ सदी से ज़ायद का असर गुजर गया और ट्रेनिंग का अमल खत्म ना हुआ। और जो आर्जी उनकी आमद थी, जिस तरह से अंग्रेज आर्जी आया था ना और ईस्ट इंडिया कंपनी आर्जी आई थी तो फिर पूरे मुल्क पर कब्जा कर लिया, तो आर्जी जो चंद लोग आए हुए हैं उनकी उनकी अथॉरिटी उनकी कुव्वत का ये आलम है कि आपके वोटों से चाहे जिस तरह के भी माहौल में वो वोट लिए जाते हैं लेकिन आपके वोटों से जो कायम होने वाली असेंबली है वो जिसको आपका लीडर मुंतखब करती है आपका प्राइम मिनिस्टर उसके पास इख्तियार नहीं होता बल्कि चीफ सेक्रेटरी के पास इख्तियार होता है। अभी इस अरसे में भी आपने देखा होगा कि आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर ने कई फैसले किए जिसे चीफ सेक्रेटरी ने दरखोर इतना नहीं समझा, ये कोई मुश्किल से हासिल नहीं हुआ, मतलब उसे लिफ्ट नहीं कराई। तो ये है बुनियादी तौर पर वो कलोनियल एक एक स्टाइल एक डिज़ाइन जो आज़ाद कश्मीर में मुसलत है। आप वहाँ के मुझे पाँच सात सात सेक्रेटरीज होते हैं जिसमें चीफ सेक्रेटरी होता है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होता है, जिसमें सेक्रेटरी हेल्थ होता है, जिसमें अकाउंटेंट जनरल होता है, जिसमें आई जी पुलिस होता है और दो दो। तो ये बेसिकली एक ऐसा डिज़ाइन है जो पूरे आज़ाद कश्मीर के मामलों को जो है कंट्रोल में है, आज़ाद कश्मीर के सारे रिसोर्सेज को वहाँ से ले जाता है और फिर उसके इवज ये कहा जाता है कि जब हमारा बजट पास होता है तो कहते हैं जी ये चंद अरब रुपए जो हैं ये आपको जो है हम इमदाद के तौर पर देते हैं। तो मैं मेरा कहना ये है एक सियासी कारकुन के तौर पर मैं अक्सर एक मिसाल दिया करता हूँ कि ज़्यादा हाथ से किसी ने पूछा, किसी साफी ने सवाल किया कि जनाब आप कैसे आर्मी के बंदे हैं, आर्मी चीफ हैं आप, आपने पाकिस्तान में माशाल्लाह मुसल्लत किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की सियासी जो जो थोड़ा सा सियासी अरसा है पाकिस्तान का सियासी घूमता होगा उसमें तो सियासी जो आप पाकिस्तान के पास रहा, आप मुझे आदमी आपके दौर में जनाब छिन गए ने कब्जा कर लिया। तो उन्होंने कहा कि वहाँ कौन सी घास उठती है कि जिसके लिए जो है मैं बहुत खर्चा करके कोई जंग करूँगा जनाब वापस लिया। तो बात से उसकी मुराद थी कि कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं
वहाँ से कौन सी ऐसी जो है वो तवानाइयाँ और दौलतें फूटती हैं कि जिसके लिए जो है वो अखराजात हो तो इन्वेस्टमेंट करो। तो हम ये कहते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर के किसी भी खत्ते में गास ना होती होती इन्होंने कब काम में छोड़ दिया होता, लात मार के कहते जाओ यार आप तुम्हारे बजट में हो चुकी। हम ये कहते हैं कोई भी हमसे अगर इसके ऊपर जो है कंपैरेटिव स्टडी चाहता है, कोई हमसे इसके ऊपर जो है तकाबली जो है वो डिस्कशन चाहता है, हम उसके तैयार। हम बताएंगे कि हमारे सिर्फ आज़ाद कश्मीर का साढ़े 4,000 मुरबा मील का खत्ता जो 84,000 मुरबा मील में से सिर्फ 4,500 मुरबा मील है आज़ाद कश्मीर। यही आज़ाद कश्मीर जो है ये पाकिस्तान की बिजली की सारी जरूरियात को पूरा कर सकता है, लेकिन उन रिसोर्सेज को उनकी जनरेशन के लिए जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को अख्तियार नहीं देते। हालत यह है कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के पास 50 मेगावाट से ज़ायद बिजली पैदा करने के कोई प्रोजेक्ट लगाने का इख्तियार नहीं। इस वक्त भी वहाँ नीलम जैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो हो रहे हैं जो चाइना की किसी कंपनी के पास है वो प्रोजेक्ट, तो वहाँ से तकरीबन जो है 450 एक टन से और 450 मेगावाट दूसरे चैनल टन से ये तकरीबन 900 मेगावाट बिजली जो है वो मुजफ्फराबाद का वो चैनल का बिजली जो दरिया है उन दो टनलों के जरिए जो है हासिल करने का मनसूबा हो रहा है। मेरे ख्याल में बुजुर्ग साहब मुकम्मल हो जाएगा, तो सारा वाडा के इख्तियार में वाडा तय करता है कि किस कंसोर्शियम को जाने के लिए सारे मामला देंगे, वाडा तय करेगा कि जनाब उस बिजली को कैसे इस्तेमाल करना है। तो आज़ाद कश्मीर के लोगों का जिनकी अपनी ज़रूरत 250 से 300 मेगावाट है, हमें वो बिजली वो नहीं देती है आज़ाद कश्मीर। आज हम उसी तरह से जो है जिस तरह से पाकिस्तान के बाकी शहर लोड शेडिंग का शिकार रहते हैं, हम भी उसी तरह से उस लोड शेडिंग का शिकार रहते हैं। तो हालांकि असूल यह है कि जहाँ कहीं भी मेगा प्रोजेक्ट जिस किसी जो है वो प्रोविंस के अंदर जिस किसी स्टेट के अंदर जिस किसी टेरिटरी के अंदर जो मेगा प्रोजेक्ट लगता है पहले उसकी जरूरियात वो मेगा प्रोजेक्ट पूरी करता है फिर किसी और को दी जाती है। तो मतलब हमारे लिए तो ना कोई बैन अवी काम नहीं है, ना ही हमारे लिए जो है वो कोई शरी काम नहीं है, ना ही हमारे लिए जो है कोई अखलाकियात के कोई तकाजे हैं, कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक आज़ाद की जिंदगी है जो बुनियादी तौर पर आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सफर कर रही है। तो हम ये कहते हैं कि आप भाइयों के मैं समझता हूँ कि फ़राइज बहुत ज़्यादा है, आपको मतलब एक एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसका आप जो है वो मतलब है दो से दो को जो है ना आप जरब देकर दुनिया को बता सकते हैं, अपने 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 भाइयों की उस विजन पर जो लाइफ है उसको आप अशकारा कर सकते हैं। आपका क्या किरदार रहे हो, आप तो हमारे डिप्लोमैट्स हैं, आप अपनी हैसियत को थोड़ा पहचाने, आप हमारे डिप्लोमैट्स हैं। यकीन जानिए कि ये वो खत्ता है, वो मुल्क है जहाँ आप लाखों की तादाद में पाकिस्तान कहता है जी पाकिस्तानी जो है वो 7 लाख पाकिस्तानी जो है यूके में, हालांकि पाकिस्तानी अगर पाकिस्तानी और कश्मीरियों को अलग अलग खाने में रखें तो फिर 1 लाख शायद जो है 1 से 1.5 लाख जो है पाकिस्तानी पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के लोग। तो आपका ये जो जिस 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 रियासत के अंदर आप रहते हैं जिस मुल्क के अंदर आप रहते हैं यहाँ से तो दुनिया की जो है ना वो कौमी आज़ादी की तहरीकें जो है यहाँ से कंट्रोल होती है, फलस्तीनियों की तहरीक यहाँ से कंट्रोल होती रही है, यहाँ से और दुनिया की जो है ना वो तहरीकें जो हैं वो कंट्रोल होती हैं। तो आप तो मतलब कलील जो है ना वो एफर्ट्स करके जो है क्योंकि आप उनको बड़ी तादाद हो और तादाद भी काउंट करती है, तो बहुत कलील एफर्ट्स के साथ जो है आप अपनी कौमी तहरीक को जो है वो उसको जो है वो सारी दुनिया के सामने उसको जागर कर सकते बता सकते हैं कि मतलब हमारे साथ क्या मजालिम क्या तकालीफ जो है दबाव की। एक बात मैं आप सारे दोस्तों को बता दूँ कि अल्लाह ताला ने आपको आज़ाद पैदा किया है जहाँ और बहुत सारे मौलवी साहब जो है आपको बहुत सारे सवाल के बारे में बताते हैं कि फलां सवाल आपसे पूछा जाएगा कब्र में फलां 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 और जो है रोज़ मैशर को फलां 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 चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, वहाँ ये सवाल भी मैं आपको बताता चलूँ शायद वो ना बताते हूँ कि आपसे ये भी पूछा जाएगा कि इंसान मैंने तुझे आज़ाद पैदा किया तो तूने गुलामी की जिंदगी को क्यों अख्तियार किया। तो मैं समझता हूँ कि वो हमारे वो भाई जो 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 अहले किताब है जो जिनका मजहब जो है इस्लाम है ये शायद ये सवाल जो है ना इसका जवाब तो आपके पास नहीं बन पड़ेगा। तो लिहाजा जैसे ईमान ईमान की हालतें बताई जाती हैं
कि अगर आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप एक बुराई को देखें कि मतलब आप उसको हाथ से रोक सकें, तो आप उसको जबान से उसका इजहार करें। अगर उतनी भी नहीं है तो आप कम से कम अपने 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 जो बॉडी लैंग्वेज है उससे नागवारी का जरूर इजहार करें। तो हम ये कहते हैं कि गुलामी एक बदतरीन जो है वो बुराई है, उसके खिलाफ जहाँ आप में ताकत है वहाँ आप हाथ इस्तेमाल करें, जहाँ आप में हाथ से पकड़ने की ताकत बुराई को रोकने की ताकत नहीं है वहाँ जबान से उसका आजाद करें, अदरवाइज आपकी बॉडी लैंग्वेज से बात कर चलेंगे। तो आज की दुनिया ये तो एक ग्लोब में सिमट आई है, आपके बच्चे और आप खुद भी जब रात को जाओ फेसबुक और इसी तरह की दूसरी जो वो साइट्स हैं उनमें जब आप जाते हैं तो सारी दुनिया के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। एक शख्स ने ट्यूनिस में एक मैसेज अपनी माँ के लिए छोड़ा तो पूरा पूरी पूरी कल्प में आग आग लगी हुई है, और वो जो पोलिटिकल पोल्यूशन का जो एटमोसफियर था आज उसको ख़त्म करने के लिए जो है वहाँ के लिए पैर निकल। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग जो है हम तो ज़्यादा उस एतबार से सियासी जो है ना वो, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है वो पोलिटिसाइज सोसाइटी है, तो हम सियासी चीज़ों को ज़्यादा आसानी के साथ और ज़्यादा जल्द जो है वो समझ पाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम एक अपने अपने फ़राइज में इस चीज़ को शामिल कर लें कि हमें जहाँ अपने बाल बच्चों के लिए बहुत कुछ चीज़ें हम करते हैं वहाँ एक थोड़ा सा अमल जो है अपनी अपनी कौम के लिए और अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी जो है करें, तो वो थोड़ा सा आपका थोड़ा सा इनका थोड़ा सा उनका थोड़ा सा हमारा ये जब इकट्ठा होगा ये बहुत ज़्यादा होगा। तो फिर जब ये बहुत ज़्यादा होगा फिर आप देख लें कि उसके रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो बहरहाल ये थोड़ी सी लंबी बात करते हुए थोड़ा सा मैं इख्तिसार की तरफ आऊँगा कि शायद यहाँ इतना माहौल नहीं है लंबी लंबी बातें करने का, तो पता नहीं रेस्टोरेंट वालों के साथ क्या मामला आपके तय हुए होंगे। मैं सिर्फ इतनी सी बात बताऊँ कि मुमकिन है कुछ दोस्तों के जहन में यह सवाल होगा कि हमने पार्टी के नाम में एक बुनियादी तब्दीली की है, तो वो उसके हवाले से डिस्कशन थी हमारे यहाँ पार्टी के अंदर जम्मू कश्मीर नेशनल लिबरेशन फ्रंट के कारकुनों के अंदर कि हमारे यहाँ आप जानते हैं कि फ्रंट्स के नाम से काफ़ी सारे ग्रुप्स काफ़ी सारी पार्टियाँ मौजूद हैं कश्मीर के अंदर काम कर रही हैं, लेकिन एक जो बड़ा फंडामेंटल प्रॉब्लम हम जो है वो फेस कर रहे थे, क्योंकि हमारा हमने जब इसको नेशनल लिबरेशन फ्रंट को 89-90 में जब इसको रिवाइव किया तो एक तो पार्टी के तौर पर रिवाइव किया, लेकिन प्रॉब्लम हमें जो पेश चला आ रहा था वो ये था कि 90s में एक बड़ी जो है वो एक मिलिटेंसी हुई जम्मू कश्मीर के अंदर, तो उसे भी एक फ्रंट ने जो है वो उसका आगाज किया था। तो अमूमी तौर पे हमें हमारे बारे में भी ये राय कायम की जाती थी कि शायद ये लोग भी जो है वो कोई मिलिटेंट टाइप के ग्रुप हैं, तो एक बड़ा सवाल एक बड़ी हडल हमें ये महसूस होती थी कि हम सियासी जमात होते हुए भी जो है वो बार बार हमारे ऊपर जो है वो किसी मिलिटेंट ग्रुप का जो है वो स्टेप जो है वो करती है। दूसरा ये कि वो सारे फ्रंट्स जो हैं वो पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस के अदारे हैं उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और मतलब ये अब कुछ छुपी हुई बातें नहीं है, आप सारे दोस्त आगाह हैं, मतलब मुझे जरूरत नहीं किसी का नाम लेने की, लेकिन उनमें से एक ग्रुप स्टिल इस वक्त भी जो है उनके साथ काम कर रहा है। तो ये बहुत परेशानी की और बड़ी मुश्किल बात थी कि आप जो है आपके बज़ाहिर आपके नाम से मिलते जुलते नाम जो है जो एक्टिविटी कर रहे हो तो आप उसी तरह का नाम इख्तियार करके अगर चले तो ये बड़ा बहुत मुश्किल काम करेंगे कि हम ये दुनिया को ये बता सके कि भाई हमारा किसी राव और किसी ISI से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम एक इंडिपेंडेंट पार्टी हैं, हम एक इंडिजिनस पार्टी हैं और हम हमारा काम जो है वो अपनी सेल्फ रिलायंस की बुनियाद पर। तो सो इन सारे मसाइल से बचने के लिए हमने ये फैसला किया, अभी हम भी इतनी बड़ी पार्टी नहीं हो गए कि जो है ना वो हम जानते हैं कि जावेद मीर साहब और दो चार दोस्त हैं उनके एक इमोशनल अटैचमेंट है वो शायद करेंगे थोड़ा सा रेजिस्ट, लेकिन हम उन्हें भी प्यार मोहब्बत से इस बात पे ले आएंगे कि कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब तक कि आप जैसे होते ना कि डायरेक्शन आप अपने क्लियर नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होता है आप अपने सफर को जो है वो पेचीदा बनाते जाते हैं। सो हमने ये किया कि हमने पार्टी का नाम नहीं चेंज किया, उसका जो करैक्टर है बेसिकली उसको वजह करने की कोशिश किया कि नेशनल लिबरेशन हमने वहीं रहने दिया,
फिल्म को हमने कॉन्फ्रेंस में कंप्लीट किया और हमने समझते कि कॉन्फ्रेंस वो पॉपुलर नेम है क्योंकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पहली जम्मू कश्मीर के अंदर पहली सियासी पार्टी जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनी थी, फिर उसी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बदन से जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस वकू पसीर हुई थी। सो ये ऐसा नाम है जो सियासी तौर पर जिसकी रिकग्निशन मौजूद है। सो हमने फिर ये टाइटल अपनी पार्टी के जो नाम वो नाम के आखिर में जो अब हम जो है अपनी पार्टी को जम्मू कश्मीर नेशनल लिबरेशन कॉन्फ्रेंस करते हैं और NLC जो है वो इसका एक बात में अगर इस हाले से कोई बात अगर पूछना रहती है कोई पूछना भी चाहे तो मैं उसको रिपोर्ट करूँगी। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगी इलेक्शन जो है उसमें हमने इस दफा हिस्सा लिया है एक अलायंस बना के, ये भी बड़ा बाहर तो बड़ा मुश्किल एक अमल था लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चूँकि जब आप ये कहते हैं कि आप सियासी जमात हैं, आप डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, आप अपने ही सफ़ों के अंदर अपनी जमात के अंदर भी जो है वो बाकायदगी के साथ इंतखाबात करवाते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि जो 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 स्पेस आपके पास है उसके अंदर जहाँ जहाँ कहीं भी इंतखाबात होते हैं उसमें आपको हिस्सा लेना चाहिए। इसलिए क्योंकि जो इंतखाबी अमल है जो इंस्टीट्यूशन हैं जब तक आप उस इंस्टीट्यूशन में जाएंगे नहीं उसके अंदर जो है वो जो मॉडर्नाइजेशन है उसके अंदर जो है जो इस्लाहात हैं उसके अंदर जो तरक्की का अमल है आप उसमें हिस्सा नहीं ले सकते, आप उसको ठीक नहीं कर सकते। मसलन इस रेस्टोरेंट में आए बगैर जो है आप बाहर से इसको तनकीद करते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये कोई मुनासिब तनकीद नहीं। जब आप इसमें इसके अंदर आएंगे थोड़ा खाना खाएंगे आपको पता चलेगा यार ये मिर्चे ज़्यादा डालते हैं या नमक कम डालते हैं, कुछ शिकायत करेंगे उनसे मैनेजर से तो जब वो ये देखेगा कि मेरा कस्टमर जो है ये शिकायत करता है तो वो मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ों पर। तो बेसिकली ये सियासी तरक्की का एक अमल है, इसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए इसको हमने जो है इलाके पाकिस्तान के वो जो हलफनामे हैं उनके ऊपर साइन करके। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भूल भर शहीद ने और उनके साथियों ने मादरा शुमारी ने 1975 में एक्चुअली हिस्सा लिया और अगर भट साहब के गिरफ्तार होने के बाद वो तसलसल जारी रहता तो आज मुमकिन है कि हम जो है उस फॉरम के ऊपर जो है आज़ाद कश्मीर की असम्बली में जो हमारे इतने लोग होते कि वो लेजिस्लेशन जो है वो अपनी मर्जी की करवाने की पोजिशन में होते। तो ये मतलब वो जैसे भट साहब ने कहा कि हमने दुश्मन का पीछा जो है वो सहराओं में जंगलों में पहाड़ों में ठीक है मतलब हर जगह पे हमने उनका पीछा करना है और उनके सर पे आपकी जरूरत लगानी है। तो मतलब है कि ये फॉरम की जो है ये भी एक मैदान है आपकी लड़ाई लड़ने का। सो वहाँ भी आपकी मौजूदगी असर जरूरी है। फिर आप दुश्मन के लिए स्पेशली ये भी एक्सप्लॉयटेशन है कि जी इलाके पाकिस्तान का कोई हलफनामा है। मैं आपको ये बता दूं इस बात को समझिए आप सारे दोस्त कि इलाके पाकिस्तान इलाके हिंदुस्तान दुनिया के किसी भी मुल्क के साथ इलाक हो सकता है, इलाक हो सकता है लेकिन इलाक करने के लिए आपको एक इख्तियार चाहिए। इलाक ऐसी नहीं है कि बस जनाब आपने कहा तो जनाब इलाक हो गया। आप एक इंडिपेंडेंट रियासत और उसकी सॉवरेन गवर्नमेंट के पास ये राइट है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान चीन किसी अरब मुल्क किसी के साथ एक्स वाई जेड किसी के साथ कोई इलाक है। ये जो यूनियंस बनती है तो ये क्या ट्रीटी है, ये बेसिकली एक्सेशन ट्रीटी होती है। USSR का एक जमाने में ये क्या था, ये एक एक्सेशन ट्रीटी साइन करके मुमलिकतों ने एक यूनियन बनाई थी लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके माशी मफादात जो है उसका तहफ़ नहीं हो रहा उस यूनियन के अंदर तो उन्होंने उससे निकलने का भी फैसला किया और जब वो निकले तो आपने देखा कि आज भी जो रशिया है उसने कहीं किसी को फायदा भी नहीं किया। तो ये बेसिकली एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के पास का ऑप्शन है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर आपको रिकग्निशन नहीं होती है आप हिंदुस्तान पाकिस्तान से इलाका कैसे करें। ये स्पेशली जब कभी भी आपका आना जाना किसी ऐसे प्रोग्राम में हो जहाँ पे कोई इलाहाबाद नवाज जो लोग ये कहते हैं कि हम इलाहाबाद नवाज लोग हैं हमारी इलाहाबाद नवाज पार्टी है तो वहाँ बैठ के इस तरह के डिस्कशन में हिस्सा लिया करें। लेकिन डिस्कशन में तो आप उसी वक्त हिस्सा ले सकेंगे जब आप खुद भी उन मामलों के साथ जब अवेयर हो जब आप खुद भी जो है आपके अंदर वो जो ड्यू नॉलेज है पोलिटिकल ड्यू नॉलेज है वो जब आपके पास मौजूद होगा तो आप थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों को स्टडी भी किया फिर आपको इस बात का बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि ये कोई ऐसी लड़ाई नहीं है। मैंने आप यकीन जानिए कि पिछले साल सरदार रशीद असद साहब भट्ट साहब शहीद के साथी थे उनका उनकी बरसी मनाई जा रही थी जमला कोर्ट में तो जमात इस्लामी के गालिबन उनका नाम है अमीर रहे हैं उनके तरावी साहब से पहले वो भी वहाँ पे मौजूद थे तो मुझसे पहले उन्होंने स्पीक की तो फिर मैं जब गया तो मैंने देखा मैंने बात की है
आपके ये चाहे जमानी से आप कंफ्यूज कर रहे लोगों को, ये बहुत हो गया आगे, मतलब है हमारी आजादी के तस्वर को भी आप मबूल करके पेश करते हैं। मैं जब पहली बार कभी यहाँ आया तो मिसेस पीकॉक साहबा से जब बातचीत हुई तो वो कहने हंसने लगी, मैंने कहा क्यों हंस, आपके बहुत सारे मिलती नहीं, हाँ आके जो गुलामी के लिए दलीलें देते हैं, इन्हें गुलाम रहने के लिए दलीलें देते हैं, तो मतलब ये है कि वो बेसिकली लोगों को तो यही बताते हैं, तो जो तस्वर आता है गुलामी को आता है लेकिन बताते हैं कि ये कहा यही जो है वो ये तस्वर जो है ये आज़ाद है आज़ादी है। वो नेहरू ने अपनी किताब में लिखा अपनी आवृत्ति में कि मैं जब बैरिस्ट्री करके इंग्लैंड से वापस गया तो मेरे लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि आम ले बहन की मैं बात नहीं करता हूँ, जो हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी फारग तहसील लोग थे उन्होंने अंग्रेज के उस जो सियासी डिज़ाइन का बैरिस्ट्री का उसे एक्सेप्ट किया और उसे आज़ादी कर दिया, तो उन लोगों को कन्विंस करना मेरे लिए बहुत बड़ा मसला था। एग्जैक्टली आज़ाद कश्मीर के आम इंसान का भी यही प्रॉब्लम है कि वहाँ आज़ादी का जो तसव्वुर है वो गुमराह है, और बड़ी बड़ी चर्ब सवारी के साथ, बड़ी जो है वो इमोशनल एक्सप्लेनेशन के साथ जो है हमारे इस तसव्वुर को जो है वो दबा कर रखा जाता है, और एक कलोनियल और वर्स्ट किस्म की इंतहाई मतलब पस्ती में पड़ी हुई जो कलोनियल जैना और जो दो वादियाती निज़ाम है ये हमारे ऊपर मुसलत है। तो बहर वो कहते हैं कि जिंदा लोग बुनियादी तौर पर जो है वही तामीर और तरक्की का बायस होते हैं, जिंदा अकवाम ही जो हैं वही आज़ादी और खुद मुख्तारी की महराज हुआ करते हैं। तो हमने अपने अमल से इस बात को साबित कर दिया है कि हम तो आला से करा को और कठुआ से पंजराब तक जो है जिंदा लोग हैं, और हमने अपनी हकीकी पहचान के साथ जो 450 साल से छिनी हुई है लेकिन जिसकी तारीख जो है वो 5,500 साल है उसके साथ जो है हम जियेंगे और उसी के साथ आप दोस्तों का इंतहाई रखेंगे स्कूल के साथ अपने प्यार के साथ आपने तो सुनो, किसी बात से अगर आपको कोई इरिटेशन हुई हो तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया।